अस्सलाम वालेकुम जी। और तुम इधर सारे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे? अच्छा, आज मैं भी बैठे बैठे ये हमारे कलीमुल्ला भाई, हमारे पुराने साथी, तो पिशावर वाले ब्लॉग में मेरे साथ थे, आपको पता होगा। अच्छा, तो ये बैठे बैठे हमारा दिन बना, हमने लाहौर से वाइवेंट थे ना कि सामान परचेज करना था, तो हमने कहा कि यार चलो अगले दिन जो है छुट्टी चले जाते हैं। हमारा प्लान था, हमने देखा कि 135 किलोमीटर बन रहा था, हम निकलते हैं। जैसे ही फैसलाबाद से निकले तो रोड साफ था, लेकिन जैसे ही बुच्चे की के करीब आए हैं तो रोड ने कहा कि नहीं नहीं इससे आगे नहीं जा सकते। अभी हम ये राणा रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं और ये है हेड बलो। ये राणा रिजॉर्ट पे इंशाल्लाह जल्दी ब्लॉग बनाएंगे हम। ये देखेंगे सारे का सारा, ये वाला एंट्रेंस पॉइंट है और अंदर नहीं गया कभी, इंशाल्लाह जल्दी जाएंगे। ये क्लीन वाला ये बता रहे हैं कि ये वाला जो इलाका है इसको सिर्फ इसको अंदर से देखने के लिए आपको पूरा एक दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक के चाहिए होगा। मतलब बहुत बड़ा है और ये कुदरती है सारे का सारा, बांसों का बना हुआ, अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, पुल बांस के बने हुए हैं, जंगल बड़ा ज़बरदस्त है और कुदरती जंगल है सारे का सारा। बहरहाल जी, इंशाल्लाह जल्दी आपसे दोबारा इसी ब्लॉग इसके अंदर वाले ब्लॉग पर आपसे मिला पाते हैं। अभी हम आए थे बलो की, रोड से ट्रांसपोर्ट है और जो मार्केट है वो 7 बजे बंद हो जानी है, तो हम देखते हैं वहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं, चाय पीते हुए फिर आपको वहाँ की तस्वीरें कुछ दिखाते हैं, तो कुछ मनाजर आपको दिखाते हैं, देखते हैं फिर अगर आगे का मुमकिन हुआ तो आगे जाएंगे, वरना यहीं से जड़ावाला में हमारे कमर मानो आर्ट अलमारूफ मेरे दोस्त बहुत अच्छे बचपन के मेरे दोस्त हैं, पैम्पर फ्रेंड जिनको कहते हैं, तो उनसे आपको उनके पिज़्ज़ा शॉप, उन्होंने माशाल्लाह यहाँ पे बिजनेस शुरू किया हुआ है, पिज़्ज़ा सेंटर बनाया हुआ है, वो उनसे मुलाकात करवाएंगे, फिर देखते हैं अगले क्या करना है। जी हम आ गए हैं अभी राणा रिजॉर्ट अपना, यहाँ के ये ज़रा दिल्ली बैंक का पुल यहाँ पे शुरू किया, पाकिस्तान पूरा सलाम ले पे, लोग बिच मछलियाँ फट रहे हैं, अंदाजा लाओ ये दरिया, ये वही दरिया कौन सा वाला? हाँ रानी पुल वाला, ये वही वाला दरिया है। हम यहाँ पे आए हैं, देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये ये वाला हिस्सा जो है ये नहर है, अगले वाला जो पुल है वो दरिया है, ये नहर का कुछ पुल है ये जिससे हम गुजर रहे हैं, और यहाँ पे मछलियाँ ये देखेंगे, अहमद हसन फिश शॉप वगैरह वगैरह, मौलाना फिश शॉप, ये सुल्तान फिश शॉप आ गई, बड़ी ज़बरदस्त मछली यहाँ की दरिया की कुदरती दरिया से पकड़ी जाने वाली मछली, तो यहाँ पर खैर 10% भी आपको नहीं मिलेगी, उसकी वजह से ये है कि यहाँ पे मछली नहीं होती, आप ये सारी फ्री होती, मतलब फार्म मछली होती है, ये दरिया है, लेकिन इसकी भी हालत और जो हमें स्मेल आ रही है यहाँ पे वो ये आ रही है कि जैसे बहुत देर का पानी खड़ा हो, जिन दरियाओं में हमें ज़रूरत है पानी की, उन दरियाओं में पानी आ ही रहा है, और कैसे दरिया है हम भी ये सैलाब वाले मकसद के लिए ही ट्रैवलिंग जा रहे हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ पे घर के पैसे देने के लिए हम देखते हैं कि क्योंकि आगे 7 बजे जो है ना वो बंद हो जाता है, ये बोलते हैं जिससे यहाँ पे आगे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन वो जो पानी जमा हो जाता है ना जहाँ पे आगे नहरों में डिवाइड हो जाता है, ये नहर है, ये वाली जो है ये नहर है, ये वाली नहरें जाती हैं ऐसे लाहौर कसूर इन इलाकों की तरफ, यहाँ के जो जाती इलाके आगे जाके ये नहर जो है ना दोस्तों में डिवाइड हो जाती है। महाराज जी ये हेड बल्लो भी है, तो देखते हैं अभी हम चाय के लिए कुछ चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लग रहा है
चले झील की ये आपको बता रहा था जो नहर है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक ये है और एक वो जो सामने ये वाली जो सड़क आपको नजर आ रही है ये वाली ये जो दीवार सामने दीवार के इस तरफ भी एक नहर है, वहाँ पे तस्वीर बनाना अलाउ नहीं था तो पुलिस वाले आ गए, उन्होंने कहा कि पाजी इतनी तस्वीर ना बनाओ, इसी का ठीक है नहीं बनाना, तो हम वहाँ से आ गए। अभी सुजुकी आपको पता है कि जो सुजुकी चलाने वाले दोस्त हैं वो इस बात को जानते हैं कि तकरीबन 100-150 किलोमीटर चलाने के बाद आपको इसको जो है एक दफ़ा ब्रेक लगानी पड़ती है, मतलब ब्रेक लगाने के बाद आपको स्टार्ट पर खड़ी रखना पड़ती है। अब मैंने भी वही सुजुकी का यूज़ किया हुआ है। अच्छा जी, ये जो दरख्त है इसको पंजाबी में बोर्ड कहते हैं और उर्दू में बदल जा जाते हैं। तो अभी वो कलीमुल्ला भाई आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये खड़े हैं अभी ये वाले। अच्छा, वो उनको बताया है, वो आगे हमारे जो हैं जिनसे हमने जिनके पास काम जा रहे थे उनसे टेलीफोन पर बात कर रहे हैं कि भाई साहब हम अगर लेट हो जाएं तो मामला क्या होगा वगैरह वगैरह। बहरहाल देखते हैं क्या बनता है। चाय का ऑर्डर दे दिया, ये सामने वाली होटल पे, ये कोई बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, ये सारे मछलियों की मार्केट है, लेकिन हमें चाय मिल गई, निशाइयों को चाय मिल जाती है, हमें चाय मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, हम चाय पी रहे हैं। चाय पीने के बाद देखते हैं अगला सफ़र किधर को जाना है, इधर को जाना है या इधर को जाना है। बहरहाल अभी तक का जो हमारा एक्सपेरिमेंट रहा है, 3:30 बजे से निकले थे और अभी 6 बज गए हैं, 2.5 घंटे में हम तकरीबन 100 किलोमीटर सफ़र तय करके 120। अच्छा जी, ये हमारे कलीमुल्ला भाई के जहन में ना एक और बात आ गई है, तो वो बात सुनते हैं हमसे क्या कहते हैं। हाँ जी, वो कहते मेरे जहन से गल है अगर तो माल आप मिल जाता तो आप गुड्स से जरूर भेजना, तो आप लैके जाइए, नहीं आप कितने भी पिछले रेडी पाने हैं। हाँ, आप उतो फौरन गड्डी बस से बिल्ट बुक करवा दे, नहीं उन्हें 4 घंटे ही बचा देना भाई, अगली जी बंदे उन्होंने वास्ते मुश्किल हो जाना ना, गुड़ का होना उन्होंने हमेशा समान आता है, वो तो कोई नहीं मुल्तान कैडी जगह चाहिए उन्होंने, वो गुड़ यार वो बंदे आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेट भी हो सकते हैं, वो बिल्टी इतने प्यार रहेगा, बिल्टी तो प्यार रहेगा, खैर अब वो चुक लेंगे क्योंकि पर इतने भी प्यार रहेगा, बस वाले से कार्गो करवावांगे ना वो यार, वो अपन डबल डबल मेहनत करनी पड़नी है। बहरहाल देख लो। अच्छा जी, ये हमारा हम बात डिस्कशन कर रहे हैं तो देखते हैं इसके बाद क्या होता है, आपसे फिर चाय पे मुलाकात होती है, आपको मैं चाय की तस्वीरें दिखाता हूँ। चाय रोटी आ गई है और हम ज़रा रोटी खा लें और आपको ब्याह इंजॉय करवाते हैं। जैसा भी नज़र आया गुजारा कीजिएगा। हाँ जी, वेलकम बैक। आलमोस्ट रायवंड तबलीगी मरकज जो रायवंड में है उसके बिल्कुल साथ वाले गेट के साथ खड़े हैं और ये रिजवान भाई हमारे यहाँ पे मेज़बान है, ये इनके छोटे भाई मामूदार। अच्छा, हमारा जो एक्सपीरियंस रहा 3:30 बजे चले और 8:30 बजे पहुँचे, 8:30 बजे पहुँचने का मतलब ये है कि हम बहुत ही गंदा रोड था, टोटल सफ़र था 130-135 किलोमीटर, लेकिन रोड की वजह से अभी आपको अगर रायवंड जो लाहौर है ये चेक कर लें, यहाँ का ये हालत है और यहाँ इससे पीछे भी सेम सिचुएशन थी, ये देखें सेम सिचुएशन थी, बहुत गंदा रोड है और मैं सजेस्ट यही करूँगा कि अगर किसी ने रायवंड की तरफ आना है तो वो थोड़ा सा ना 100 किलोमीटर या 90 किलोमीटर का एक लंबा वाया पड़ेगा वो काट ले, लेकिन जो है ना वो इधर से ना आए, इसकी वजह क्या है वो बहुत गंदा रोड है, यानी 130 किलोमीटर आपको अगर आप गाड़ी भी आते हैं तो देन आपको 6 घंटे लगेंगे, अगर आप आते हैं बाइक पे तो आपको 4 घंटे लगेंगे, मस्ट लगेंगे। ये हम दरमियान में 20 मिनट का एक वक्फा किया था वो चाय पीने के लिए, लेकिन बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा हमारा। अभी देखते हैं अगली मंजिल कहाँ है, लेकिन इंशाल्लाह रात को फैसलाबाद के लिए निकलेंगे
फिर अगला रास्ते में देखते हैं कहीं चाय पीते हैं तो आपसे कम। लाहौर की तरफ आज ये सफ़र हो चुके हैं और हमारा यहाँ से लाहौर का सफ़र तकरीबन होगा 30 मिनट का। हमने आते हुए वो 30 मिनट बचाने के लिए ना 2-3 घंटे ज़ाया किए हमने। वापसी भी हमने कहा कि यार रात तो यहाँ पे रुकना नहीं है, लिहाजा यहाँ से ना अब लाहौर से निकला जाए। अब आप रात को एक दोस्त के पास स्टे करेंगे तो रात को नहीं सॉरी अभी जाते हुए एक दोस्त से मिल के जाएंगे, सिर्फ उससे मिल के हेलो हाय करके, वो हमारे पुराने हमारे दोस्त हैं उनसे मिल के फिर इंशाल्लाह अगला सफ़र शुरू हो जाएगा। रास्ते में हाजी होटल आता है, वहाँ से चाय शाय पियेंगे, अगर भूख चलो हुई तो खाना भी खाएंगे। आप जो है असलामुअलैकुम। हाँ जी, रात के 1:45 हो गए हैं। आज हमें पता नहीं क्या सूची, बैठे बैठे हम फैसलाबाद से जड़ावाला की तरफ से होते हुए रायबंड, रायबंड से फिर लाहौर, लाहौर से अब वापस फैसलाबाद, और वो सुजुकी खड़ी है हमारी। ये समय निकालते ही थी यमन, हमने असल में ना सैलाब जदगान के लिए कोई सामान वगैरह लेना था, वो ले के बिल्टी करवा के अगले इलाकों की तरफ फिर हम तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बखैर वाफियत पहुंच गए हैं बड़ा माना वाला। ये शेखुपुरा से फैसलाबाद की तरफ जाए तो तकरीबन 30 किलोमीटर के बाद आ जाता है। यहाँ से अगला स्टॉप जो बड़ा स्टॉप होगा शाहकोट होगा, फिर कोने वाला होगा, फिर फैसलाबाद घर होम स्वीट है, और अप्रोक्सीमेटली जो है हम पहुंच जाएंगे तकरीबन 2:30 इंशाल्लाह। ये जो मूछ भाई खड़े हैं ना, ये भाई ये कलीमुल्ला साहब हैं, और ये भाई इन भाई से हमने यहाँ से कोई चीज़ लेनी थी, कोई ड्रिंक श्रिंक वगैरह पानी शानी, इसलिए यहाँ पे रुके। चले फिर मुलाकात होती है। यहाँ ना एक बात काबिले जिक्र है जो मैंने आपको बतानी थी, मैं फिर बताना भूल गया कि अभी ना दाता साहब हजरत दाता आलिया जवेरी गंज बख्श का ना लाहौर में जो है ना वो सालाना और शुरू हो गया है। तो अभी हमने पहले तो सोचा था कि रात को ना लाहौर में रुक जाएंगे, लेकिन हम फिर नहीं रुके। अगर रुक जाते तो हमें जो सुबह अभी हम जो हालात देख रहे हैं ना फैसलाबाद से, जो लाहौर की तरफ मोटरसाइकिलें आ रही हैं, वो तकरीबन 40-40 का काफिला जा रहा है जी, 1-5 30 का 40 का 30 का, और इतनी स्पीड से जा रहे हैं कि ना पूछे। जो बसें जा रही हैं अभी आपको अगर यहाँ से नज़र आए, ऊपर से भी फूल है और नीचे से, इसी तरह ये जितनी बसें खड़े हैं इसी तरह फूल है। अच्छा, जो लोग आ रहे हैं ना फैसलाबाद से, तो उनसे जो मोटरसाइकिलों पर भी आ रहे हैं, तो उनसे गुजारिश यही है कि बरए मेहरबानी अपना ख्याल ना करें, बेशक माँ बाप का ख्याल करें। इतनी स्पीड अच्छी नहीं होती, बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं, दूसरे रिश्ते लगा के जा रहे हैं, तो बहरहाल मेहरबानी ये करेंगे आप लोग थोड़ा सा ख्याल करें। बहुत कीमती जान है आपकी, आपके माँ बाप के लिए, आपकी बहन भाइयों के लिए, आपके बच्चों के लिए। आप बज़ाहिर फर्क़ बाहर हैं, लेकिन किसी की कुल कायनात है।